देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न कह रहा है यदि 56 × 11 = 9, 37 × 13 = 6 तथा 42 × 12 = 3 हो तो 87 × 77 का मान बताइए, यानी बराबर क्या होगा, ये चीज आपको बताना है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जाएगा, तो आपको करना क्या चाहिए, सॉल्व कैसे करना चाहिए समझिएगा। पहले हम देखेंगे दोस्तों ये 56 × 11 को 9 कैसे लिखा है, 37 × 13 को 6 कैसे लिखा है, 42 × 12 को 3 कैसे लिखा है। जैसे ये लिखा है उसी प्रकार से दोस्तों हम इसकी वैल्यू बताएंगे, ठीक है, यानी मान बताएंगे इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे, आप इसको गुणा करेंगे तो ये 9 नहीं आएगा, बहुत ज्यादा आने लगेगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे गुणा नहीं करना है, गुणा का मतलब यहां ये चीज नहीं है कि आपको गुणा करना है, नहीं, यहां पे कुछ भी सिंबल रह सकता है, गुणे की जगह भाग रह सकता है, माइनस रह सकता है, प्लस रह सकता है, या कोई सिंबल दे दे, डॉलर, हैशटैग, कुछ भी यहां पे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं आप सोचेंगे कि गुणा ही करना है, गुणा नहीं करना है, यहां पे कुछ भी करिए आप इन संख्याओं से, क्या करना है, इन संख्याओं से कुछ भी करिए, यानी 56 × 11 को जोड़िए, घटाइए, गुणा भाग कुछ भी करिए, 9 आना चाहिए, जैसे आएगा उसी प्रकार से सबको ये सेटिस्फाइड होना चाहिए और सब उसी टाइप से आना चाहिए, उसी प्रकार से इसकी वैल्यू आप बताएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे क्या करेंगे, देखिए यहां पे 56 और 11, 56 दोस्तों किन संख्याओं से मिलके बना है, 5 और 6 से, ठीक है, समझिएगा। 11 किन संख्याओं से दोस्तों मिलके बना है, 1 और 1 से, ठीक है। तो 56 किन संख्याओं से मिलके, 5 और 6 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपस में जोड़िए, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़िए, 5 और 6 जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 दोस्तों किन संख्याओं से मिलके बना है, 1 और 1 से, 1 और 1 जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2। अब बचा यहाँ पे हो क्या गया दोस्तों, नीचे 11 और 2, 11 और 2 को क्या करेगी, 9 हो जाएगा। अगर जो दोस्तों आप 11 में से माइनस कर देते हैं 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर में 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो रहा है और 9 यहाँ पे दिया हुआ है, आप समझ रहे होंगे ये करके रहा है प्रश्न, ठीक है। अब आगे देखिएगा 37 किन संख्याओं से, 3 और 7, 3 और 7 को जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 10। 13 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 1 और 3, ठीक है, देखिएगा 37 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 3 और 7, 3 और 7 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 13 × 13, यानी 13 किन संख्याओं से मिलकर बना है दोस्तों, 1 और 3, और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। फिर गुणे की जगह क्या करना है, माइनस कर लेना है, ठीक है, बीच में इसको घटा देंगे, 10 में से 4 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर में 6 हो जाएगा, और देखिए ऊपर बराबर में 6 दिया हुआ है। इसी प्रकार से आगे देखिए किया है कि नहीं, 42 किन संख्याओं से, 4 और 2, 4 और 2 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 और 2 को दोस्तों जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 6 हो जाएगा, क्या होगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6। फिर 12 किन संख्याओं से, 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 3, 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, और देखिए 3 यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न इस टाइप से सॉल्व हो रहा है। तो आगे किसका मान पूछ रहा है, 87 × 77 का, 87 किन संख्याओं से मिलकर बना है, 8 और 7 से मिलकर बना है, ठीक है। तो 8 और 7 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 7 होता है 15, और 7 और 7 को दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होता है, 7 7 होता है 14, 15 में से दोस्तों 14 को माइनस करेंगे, 15 में से 14 घटाएंगे तो होगा क्या, 1। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, 1 होगा। 1 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर पहले में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, जिस टाइप से दोस्तों ये करता है उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, बस पहला देखा जाता है, दूसरा तीसरा जो दिया रहता है उसको देखना है क्या कर रहा है, उसी प्रकार से इसकी वैल्यू। इसमें क्या करता है दोस्तों, ज्यादातर केसेस में यही होता है ना दोस्तों, आपस में संख्याओं को जोड़ देता है, कभी जोड़ क्या करता है, दो जो जैसे 87 है, जैसे 87 है, 87 8 7 जोड़ दिया, ठीक है, और यहां पे 77 है, ये भी 7 7 जोड़ दिया, क्या है 77 है 7 7 जोड़ दिया, तो ये 15 आपका हो गया, ये 14 हो गया। कभी कभी क्या करता है, इसमें प्लस कर देता है, कभी कभी माइनस कर देता है, ठीक है, कभी कभी गुणा कर देता है, ठीक है। अगर जो ऐसे संख्याएं आए तो आप ऐसे ही सोचेंगे और सॉल्व हो जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।